यहाँ 60 साल से किसान की कोई तपस्या ही नहीं है जो सारे देश का पेट भरता है। उनके पतियों के बल पर भारत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला से आई बन जा अपना तकलीफ खाती, बाकी मोदी बोझ तब न। असी अज मेन दो डिमांड नू लेके वे किसानों का सारा कर्ज माफ होना चाहिए, क्योंकि पिछले तिना चार सालों के जी केंद्र की मोदी सरकार आ उन्हें 3.5 लाख करोड़ रुपया जो सनतकारा का व्डे कारपोरेट घराने का खत्म किया। तो जो किसान की वारी आँदी आ उदों ये कहें कोई कानून नहीं। पैसे वाले का पैसा बढ़ रहा है, गरीब की गरीबी बढ़ रही है और किसान जो आत्महत्या पर उतारू हो रहा है। प्राण सबको प्यारे हैं लेकिन मजबूरी है ये किसान की कि जब घिर जाता है कर्जे में तो अंतिम विकल्प के रूप में आत्महत्या कोई चिंता है। दूजी साड़ी डिमांड आ भी जो फसल जो उन्होंने समर्थन मुल आ लाहेवंदा मुल तय करना चाहिए। जे कोई व्यापारी ज कोई सरकारी एजेंसी सरकार के बन्ने समर्थन मुल तो घट रेट से खरीद कर दी गेहूं की तो वो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए आ। ये बकायदा कानून बनना चाहिए। अज मोदी सरकार ने जो फसलों के भाव तय किए इतों का व्यापारी आ जोड़ा बहुत घट मुल से उदू किसानों दसलों लुट रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए इन सरमाएदारों के, यूरिया बेचने वालों के, डीएपी बेचने वालों के, लेकिन किसान के तो कोई अच्छे दिन आए नहीं। किसान अपनी रोजी रोटी की समस्याओं से जूझ रहा है। इन डिमांड जिन्हों लेके अभी अज दिल्ली के रामलीला मैदान इकट्ठे हुए हैं तो मोदी सरकार ने एक सबक सिखा के फिर वापस जावांगे। अभी तो सिर्फ हम लोग गिने चुने लोग अपने अपने संगठनों से आए हैं, क्यों ज़्यादा होते तो यहाँ दिल्ली में जगह नहीं रहती। तो सिर्फ मौजूद लोग आए हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम पूरी तरह से इसी तरीके से सरकार से संघर्ष करते रहेंगे।